तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको गैस गीजर रिपेयरिंग करना सिखाने वाला हूँ। दोस्तों कल एक कस्टमर के तरफ में गया था तो उनके तरफ में ये प्रॉब्लम था कि गैस गीजर का जो पाइप है उनको बार बार खोलना पड़ता था और बार बार उसका गैस का एयर निकालना पड़ता था। तो ये एक समस्या जो है काफ़ी सारे लोगों की समस्या है दोस्तों। तो इस चीज़ को किस तरह से सॉल्व करें और किस तरह से उसको फाइंड आउट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और मेरे ट्रिक सीखते रहिएगा और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यही वाला वो गीज़र है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, तो इसको मैंने पहले से ही ओपन करके रखा हूँ। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या प्रॉब्लम है और जिस टॉपिक पे मैंने आपको बताया था वही टॉपिक होने वाला है। गैस का सप्लाई होने के बाद में ये फ्लेम को जनरेट करता है, यानी कि पानी गर्म होना चालू हो जाता है। इस चैम्बर में से पानी गर्म यहाँ से होते हुए आउट होता है। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब भी कस्टमर नल ओपन करता था गीज़र का, ये स्पार्किंग होता था इसमें, बट फ्लेम नहीं जल पा रही थी क्योंकि ये ओपन नहीं हो रहा था। तो हम कैसे ट्रेस करेंगे कि इसमें फॉल्ट कौन सा है, तो देखते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस तरह की प्रॉब्लम अगर आती है तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए। सबसे पहले ये जो सेल बॉक्स है इसमें दिखना चाहिए कि इसमें 3 वोल्ट या फिर 3 वोल्ट से थोड़ा कम जो भी वोल्ट है वो आना चाहिए। देखिए दोस्तों इसमें 2.58 यानी 2.58 का जो वोल्टेज आ रहा है यानी ये थोड़ा कम आ रहा है, फिर भी इसमें काम चल सकता है। बट हम इसमें क्या करेंगे, इस पावर सप्लाई को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि मेरे पास में ये एक्स्ट्रा एक सेल बॉक्स है। इस सेल बॉक्स में एक सेल को अटैच करके इसको हम ये वाले सेल बॉक्स यानी ये दो सेल के सीरीज में इसको लगाएंगे तो इसका पावर सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगा और इसका हमेशा के लिए इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों ये करने से क्या होता है कि आपको कोई भी चीज़ का सामना करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि कैसा है अगर समझ लो इसमें अगर 3 वोल्ट का सप्लाई, अगर 3 वोल्ट का सप्लाई के लिए हम नए अगर सेल अगर डालते भी हैं तो सेल का जो वोल्टेज है ज़रूरी नहीं कि वो 3 वोल्ट का ही मिलेगा, क्योंकि कैसा है पहले जो मार्केट में जो हर सेल जो मिलते थे तो प्रॉपर वोल्टेज के हिसाब से मिल जाते थे। पर आज के ज़माने में अगर सेल अगर ख़रीदने जाते हैं तो दुकानदार क्या करता है, ग्राहक को पुराने स्टॉक में से सेल निकाल कर देता है, तो ग्राहक को इसकी जानकारी नहीं होती है। तो इसलिए मैंने ये रामबाण उपाय निकाला हूँ इसको इंक्रीज़ करने के लिए। अगर इसको इंक्रीज़ कर दी, इसका सेल का जो वोल्टेज है, ये बैटरी का जो वोल्टेज है अगर बढ़ जाएगा तो आपका हमेशा का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए 3 वोल्ट इसमें हम देखने वाले थे, तो इसमें तो देखिए इसमें हमें वोल्टेज मिल रहा है 2.5 के समथिंग कुछ वोल्टेज मिल रहा है, हमें यहाँ पे 3 वोल्ट मिलना चाहिए। तो यही वोल्ट सोलेनोइड वाल, ये देखिए दोस्तों ये सोलेनोइड वाल है, अभी इसको मैंने अलग अलग करके रखा हूँ सभी पार्ट। तो इसमें सोलेनोइड वाल में 3 वोल्ट आ रहे कि नहीं आ रहे या फिर 2.5 वोल्ट आ रहे कि नहीं आ रहे हम चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों मल्टीमीटर को मैंने यहीं पे लगा दिया हूँ, ठीक है, और इसका सप्लाई के लिए हम चेक करते हैं बारी बारी से। तो इसको चेक करने के दोस्तों हम इसको डायरेक्ट में इसको शॉर्ट कर देंगे स्विच को, तो ये वोल्टेज दिखाने लग जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसमें 2.18 के आसपास में, 16 के आसपास में इसका वोल्टेज आ रहा है। देखिए दोस्तों इसमें पावर सप्लाई जो है इसका वाला बैटरी का वोल्टेज है सोलेनोइड वाल के कनेक्शन में 2.35 के आसपास में इसका वोल्टेज आ रहा है, यानी कि अभी ये वर्किंग कंडीशन में ये वर्क करेगा। बट दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ जानकारी के लिए, अगर इस तरह का अगर वोल्टेज आ भी रहा है तो भी अगर इसके वोल्टेज को अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो आपका प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हम क्या करते हैं, इस इग्निशन बॉक्स को और इस मैकेनिज़म को गीज़र में फिट करते हैं और आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये सेल बॉक्स लगाने के बावजूद भी एक्स्ट्रा सेल बॉक्स हम इसमें लगाने वाले हैं ताकि हमारे गीज़र का वोल्टेज 3 वोल्ट से ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों मैं हूँ भरत क्विकर और आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल बी क्विकर टेक्निकल।
तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने जो भी ट्रिक बताया हो ये ट्रिक सिर्फ उन्हीं गीज़र में अप्लाई करना जिन गीज़र का पाइप 15 से 20 फीट लंबा हो, क्योंकि 15 से 20 फीट लंबा होने के कारण उसमें गैस का संचार बहुत ज़्यादा होता है और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से गैस गीज़र का सोलनॉइड वाल्व ओपन होना मुश्किल हो जाता है। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।